गाइस यहाँ से शुरू होता है आलू बारी। तो मैं फिर और एक बार कह दूँ आप लोगों की, एक समय यहाँ से ब्रिज नहीं था तो ये घाट हो गए, फेरी से जाना पड़ता था तेजू के लिए। काफ़ी दिक्कत होता था उस समय, लेकिन आप लोग अभी देख सकते हैं ये अच्छा काफ़ी सुंदर रोड बन चुका है और उसके बदौलत हमें यहाँ से काफ़ी टाइम बचा कर हम जा पा रहे हैं और एक दिन फिर आज ही वापस आ भी सकेंगे ये रास्ते के थ्रू। और पहली बार वो ब्रिज बनने के बाद तो चलिए देखते हैं आगे, जो मैं जिस ब्रिज की बात कर रहा हूँ वो ब्रिज किस तरह है और किस तरह इस तेजू की जो यात्रा था उसको आसान बनाने के लिए किस तरह बना ये ब्रिज, चलिए देखते हैं। ज़रा दूर नहीं है वो ब्रिज पहुँचने के लिए, और जैसे हम वो ब्रिज क्रॉस करेंगे तो हम लगभग तेजू इन कर चुके होंगे। फिर बता दूं आप लोगों को कि जब ये ब्रिज नहीं था परशुराम कुंड होके भी जाना पड़ता था, जब ज़्यादा बारिश का मौसम में, समर के मौसम में जब और फेरी अवेलेबल नहीं होता था तब हम परशुराम कुंड होके काफ़ी दिन भर का जर्नी हो जाता था तेजू पहुँचने के लिए। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ का रोड कितना सुंदर हो चुका है और यहाँ का ब्रिज भी कितना सुंदर है, आप लोगों को दिखाऊँ। तो गाइस यहाँ से शुरू होता है हमारा ये ब्रिज, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का ब्रिज कितना सुंदर है। तो ब्रिज का जो व्यूज है यहाँ से शुरू होता है और नीचे जो नदी है मैं उसके बात कर रहा था, वहाँ से हम फेरी पकड़ के जाते थे तो काफ़ी दिक्कत होता था। तो देखिए यहाँ का होगा, लेकिन मैं अपने कैमरे से नहीं होंगे, आप जब खुद देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ का व्यूज। और मैं बता दूँ ये ब्रिज के बाद भी काफ़ी सुंदर व्यूज और भी बहुत है देखने के लायक, और ये तेजू में इस तरह का व्यूज का कमी नहीं है, मैं फिर से बता दूँ। के बाद भी लेकिन व्यूज़ ख़त्म नहीं हुआ यहाँ पे, काफ़ी सुंदर व्यूज सब साइड में देख सकते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड राइट साइड और स्ट्रेट, और यहाँ का व्यूज मैं आपको वो दिखा दूँ। देखिए तेजू का खासियत ही ये है कि यहाँ का व्यूज बहुत सारे व्यूज है, कहीं कोने करते गई थी बहुत सुंदर सुंदर व्यूज, नदी नाला
राइट साइड जाएंगे क्योंकि हम तेजू जा रहे हैं, तो जिसे जिन्हें ड्रॉइंग जाना होगा तो यहाँ से जा सकते हैं रोइंग पासीघर, तो उन्हें लेफ्ट साइड होके जाना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैं दिखा दीजिएगा बोट रोइंग मेका दिगारू तेजू, तो तेजू हम राइट साइड से जाएंगे, तो अगर किसी को रोइंग जाना है तो वो लेफ्ट साइड होके जा सकते हैं और पासीघर से निकल सकते हैं। तो ये है वो जंक्शन, इस तरह हम तेजू के एरिया में एंटर हो चुके हैं। शायद यहाँ पे फ्लड आने के कारण काफ़ी प्लेन हो गया जगह जंगल। कोई नए बात नहीं है, हर साल तेजू में इस तरह की बाढ़ के हालत पूरे बन जाते हैं। शुरू होता है तेजू का, तेजू टाउन का ओवरव्यू। सबको पता है कि यहाँ में तेजू में एक कॉलेज है, इंदिरा गांधी कॉलेज, तो उस पर जो रोड है यहाँ से घुसता है कॉलेज, तो ये है उसका गेट IGGC तेजू, तो यहाँ से जाना पड़ता है कॉलेज के लिए। शायद चेकिंग है यहाँ पे। यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा वीडियो, सॉरी मैं सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे चेकिंग होने के कारण वीडियो को थोड़ा बहुत रोकना पड़ा। गाइस यहाँ से शुरू होते हैं तेजू का मार्केट,